मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन से पहले राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल को लिया है, उसके बाद इसको लिया है। इस देश में अभी तक बहन बेटियों की सुरक्षा के कानून नहीं है क्या? है। इम्प्लीमेंट कब होंगे मोदी जी ये बताएं, वो बहन बेटियां सुरक्षित कब होंगी? मोदी जी ने भारतीय सेना का राजनीतिकरण कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके के जुमलेबाजी सेना के साथ मोदी जी ने किया है, जो बिल्कुल भी इस देश के सुरक्षा चक्कर की मजबूती के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हमारे साथ मौजूद है अभी भगवान सिंह, पूर्व सैनिक रह चुके हैं। क्या कहेंगे वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन पर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैडम जी, ये सही है या गलत है? गलत होगा तभी पहले भी मतदान से चुनी हुई सरकार ने मेरे हिसाब से 78-80 में इस प्रावधान को बदली किया है और आज फिर वापस सरकार को उसमें कुछ बेनिफिट दिखने लग गया है। हम तो ये कहते हैं कि आप उसको भी ले आना, लेकिन देश में जो राजनीतिक दल हैं या जो निर्वाचित होकर जो लोग वहाँ पर जाते हैं, वो लोग नकारा टाइप काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, कोई कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती, जबकि इस देश का संविधान, इस देश के अंदर सारे कानून हर आदमी की बेहतरी के लिए है, फिर भी बेहतरी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन से पहले राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल को लिया है, उसके बाद इसको लिया है, क्या दिक्कत है? जब 78-80 तक पहले इसी पद्धति में इलेक्शन हो रहा था तो हो जाए, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कमियां नहीं थी, तो फिर बदला क्यों? और फिर अगर मैं अभी भी बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, 2024 में भी इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार किसी की भी नहीं आएगी। अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या देश के जो राजनीतिक दल हैं 5 साल राष्ट्रपति शासन को मानेंगे या तोड़ मरोड़ के सरकार बनाएंगे? ये सोचने का विषय। विशेष सत्र बुलाया गया है इसी के लिए। तो विशेष सत्र बुलाया गया है, अच्छी बात है, अच्छे काम करो, किसानों की एमएसपी को माने, एक्स रिशमेंट जो पेंशन पे बैठे हुए हैं, विधवा और डिसबिलिटी पेंशन, जो आर्मी की पेंशन की जो श्रेणी है उसके सबसे निचले पायदान पे है, उनकी विसंगतियों को दूर करो, बहन बेटियों की सुरक्षा पे और एक नया बिल लेके आओ, करो ना काम, राइट टू रिजेक्ट लेके आओ, राइट टू रिकॉल लेके आओ, उसके बाद ये भी ले आओ, लाओ ना, हम तो आपकी उसी ईमानदारी को देखना चाहते हैं, आप लेके तो आओ ना। बहन बेटियों के लिए मुद्दा उठेगा, आरक्षण मिल जाएगा इस बार जो बड़े समय से लंबित था? मैडम, आपके इस देश में अभी तक बहन बेटियों की सुरक्षा के कानून नहीं है क्या? है, बेहतर कानून है। इम्प्लीमेंट कब होंगे मोदी जी ये बताएं कि इम्प्लीमेंट कब होंगे, वो बहन बेटियां सुरक्षित कब होंगी? उन लोगों को, उन जो प्रावधान बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनमें कब तक न्याय मिलना शुरू हो जाएगा? हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो विशेष सत्र बुलाया है, किसानों की एमएसपी, जवानों की पेंशन की विसंगतियां, महिलाओं की सुरक्षा, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, और उसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला रखे, वन नेशन वन इलेक्शन का रख दे। 78-80 तक हो रहा था तो अब दोबारा होने लग जाएगा, लेकिन फिर दोबारा अपनी किसी तरीके की उस चीज को बदलने के लिए, अपनी किसी चीज की प्रॉब्लम को ना बताए, वो हर तरीके के मापदंडों से भाप के फिर निर्णय ले। लेकिन जो मैंने कहा है फिर दोहराऊंगा, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल,
किसानों की एमएसपी, महिलाओं की सुरक्षा, आर्मी के जवानों की पेंशन की जो विसंगतियां हैं वो, इन सबको ऊपर काम करते हुए ये काम भी करें। 9 सालों में मोदी ने देश का विकास कर दिया ऐसा कहा जाए। मैडम मैं एक चीज देखो, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम इतने कोई चीजों की चीजें पढ़ के नहीं समझ पाते, पढ़े लिखे भी नहीं है। हम तो इतना जानते हैं मोदी जी ने भारतीय सेना का राजनीतिकरण कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। भारत के अलावा कोई भी राष्ट्र सेना के साथ ऐसा नहीं करते जिस तरीके के जुमलेबाजी सेना के साथ मोदी जी ने किया है, जो बिल्कुल भी इस देश के सुरक्षा चक्र की मजबूती के लिए अच्छा नहीं है। तो सेनों की पेंशन में या और भी जो मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए, इस देश की सुरक्षा चक्र को मजबूत करते हुए उन पर विशेष ध्यान दे, महिलाओं की सुरक्षा। प्रधानमंत्री जो है सेना के साथ जाते हैं बॉर्डर पर, वर्दी पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, तमाम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और कितनी सारी चीजें करते हैं। अगर आपको उनकी अच्छाई इतनी अच्छी लग रही है और इतने अच्छे हैं तो ये विसंगतियां कहाँ से आ गई, मुनमुटाव कहाँ से आ गया? मोदी जी के काम करने की, बुलेट प्रूफ जैकेट दिया और तमाम चीजें की हैं सेनाओं की। मैडम जब जब जिन चीजों का आविष्कार हुआ थोड़ा लेट से आया, हर इस देश के जो भी प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर बने सब ने, किसी ने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की, किसी ने थोड़ा लेट करने की कोशिश की, और हथियार माफिया वर्ल्ड लेवल पर जो भी हथियार माफिया आविष्कार करता है वो लेना हर देश की मजबूरी हो जाती है। अगर नहीं लेंगे उनके प्रोडक्ट को तो आतंकवादी हमले होंगे बॉर्डरों पे, दूसरे देश हमेशा टेंशन बना के रहेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे जिनकी गंभीरता को और ज़्यादा बोलना भी देश की सुरक्षा के लिए मैं तो अच्छा नहीं मानता। आपको इतनी नाराजगी क्यों है प्रधानमंत्री से? नाराजगी वाली बात नहीं है, अभी प्रधानमंत्री जी वो हैं और उनके कार्यकाल में अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं तो उनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, बताइए कौन किसको बोला जाए? ये नाराजगी वाली बात थोड़ी है। अरे हम तो उनका काम कर रहे हैं कि जो चीज़ें उनकी नज़र में नहीं आई है उनके संज्ञान में नहीं आई है, हो सकता है वीडियो देखें या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वीडियो देखता और उनके कान में बाल ला रहे कि सर इस तरीके की बात आ रही है, इसमें थोड़ा सा नज़र किया जाए। क्या लगता है वो वीडियो जानने के बाद, उनके कान में बात आने के बाद वो सुनेंगे और काम करेंगे उस? देखिए अगर देश की सुरक्षा एकता अखंडता के लिए उनके मन में गंभीरता है काम करने की और देश की बेहतरी के लिए तो पक्का सुनेंगे और पक्का एक्शन लेंगे। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात किया, आपने सुना किस तरीके से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल सफाई के साथ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि अगर हम बात आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारे देश का प्रतिनिधि करते हैं, जो भी कमियां आ रही हैं हम उन्हीं को बोलेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।